मुफ्त बिजली योजना, सोलर एनर्जी से मुफ्त बिजली मिलने वाली है हर किसी को। जो हम आजकल बिल पे करते हैं, हमें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर हम अपने छत पे, अपने घर पे रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाते हैं तो। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है, 60% तक की सब्सिडी मिलती है रूफ टॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, बहुत सारे क्वेश्चन है जिनके आंसर जाना जरूरी है। जैसे क्या ये कश्मीर के ठंड मौसम में इफेक्ट रहेगा? क्या ज्यादा गर्मी वाले इलाकों में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? बारिश के टाइम पे क्या होगा? रात के टाइम पे क्या होगा? हम अपने घर में कौन कौन सी चीजें इस पे यूज कर सकते हैं? हमारी बिजली बिल का क्या होगा अगर हम रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाते हैं? इन सभी क्वेश्चन के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है नाफी जावेद और आप देख रहे हैं नाफिज टेक। क्या है ये रूफटॉप सोलर सिस्टम की हकीकत, चलो देखते हैं। दोस्तों, आज रोटी कपड़ा और मकान काफी नहीं है सर्वाइव करने के लिए, बिजली की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। लेकिन चूंकि अब इलेक्ट्रिसिटी एक लिमिटेड रिसोर्स है, हम एक अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। और गवर्नमेंट भी लोगों को एनकरेज कर रही है सोलर एनर्जी को यूज करने के लिए, इसीलिए बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में ऑलरेडी सब्सिडी मिल रही थी। लेकिन अब सेंटर ने, गवर्नमेंट ने इसको ऑल ओवर इंडिया लॉन्च किया है, एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है पीएम सूर्यागर मुफ्त बिजली योजना। अब इस स्कीम के अंडर किसको कितने पैसे मिलेंगे, कितनी सब्सिडी मिलेगी, पहले हम वो देखेंगे। अगर आप अपने घर में पर मंथ 100 यूनिट्स एवरेज में कंज्यूम करते हो, अगर 100 यूनिट्स बिजली के आप मंथली एवरेज में कंज्यूम करते हो, तो आपको 1 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। एक साल में कुछ महीनों में बस आप 50 यूनिट यूज करते होंगे, कुछ महीनों में 150 यूनिट यूज करते होंगे, जो एवरेज है, एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपकी एवरेज कंजप्शन है 100 यूनिट, तो आपको 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा और वो पड़ेगा आपको अराउंड 50-60,000 रुपीज में। 50-60,000 रुपए का खर्चा होगा 1 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने के लिए, जिसमें 30,000 रुपीज आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे सब्सिडी में। 30,000 रुपए गवर्नमेंट देगी, बाकी पैसे हमें खुद देने पड़ेंगे, मतलब 60% पैसे यहाँ पे गवर्नमेंट देती है। वही अगर आपकी एवरेज कंजप्शन है 200 यूनिट्स, अगर आप 200 यूनिट्स कंज्यूम करते हो पर मंथ एवरेज में, आपको 2 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसका आपको कॉस्ट पड़ेगा 1,20,000 रुपीज के आसपास, और उसमें सरकार आपको 60,000 रुपीज देगी। 60,000 रुपए गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे, जो बाकी पैसे बचे वो हमें खुद देने हैं। वही अगर आप 300 यूनिट एवरेज में कंज्यूम करते हो, आपको 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसका एवरेज कॉस्ट पड़ता है 1,60,000 रुपीज के आसपास, और उसमें 78,000 रुपीज गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे सब्सिडी में। 78,000 रुपए गवर्नमेंट देगी, जो बाकी पैसे बचे वो हमें खुद देने हैं। ऐसे ही अगर आप 500 यूनिट एवरेज में कंज्यूम करते हो, तो आपको 5 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा, लेकिन आपको मैक्सिमम 78,000 रुपीज की ही सब्सिडी मिलेगी। चाहे आप 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाओ, या 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाओ, या 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाओ, मैक्सिमम 78,000 रुपीज मिलने वाले हैं। लेकिन इसमें अभी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आगे आपको इस वीडियो में समझ आएगी। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें ये रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा के क्या फायदा मिलेगा, हम इतने पैसे क्यों देंगे? तो उसका आंसर समझने के लिए आपको ये रूफटॉप सोलर सिस्टम के टाइप समझना जरूरी है, जो मैं आपको समझाऊंगा। रूफटॉप सोलर सिस्टम के 3 टाइप्स है। एक होता है ऑफ ग्रिड सिस्टम, सेकंड होता है ऑन ग्रिड सिस्टम, और थर्ड है हाइब्रिड सिस्टम। ऑफ ग्रिड सिस्टम आपको नाम से ही पता चला होगा, इसमें ग्रिड कनेक्ट नहीं होता है। आज हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है? ग्रिड से। जो ऑफ ग्रिड सिस्टम होता है, इसमें ग्रिड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। मैं आपको समझाता हूँ। जो आपका रूफटॉप सोलर सिस्टम है, वो फॉर एग्जांपल आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। उसने फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स आपके लिए जनरेट किए, और आप अपने घर में अभी 50 यूनिट यूज कर रहे हो, 100 यूनिट्स आपके सिस्टम में जनरेट किए, 50 यूनिट्स आप अभी यूज कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा 50 यूनिट्स है वो कहाँ जाएंगे? आपके घर में एक बैटरी लगी होगी, वो वहीं पे जाएंगे, मतलब आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। फिर शाम के टाइम पे जब सूरज गुरूप होगा, जब अंधेरा होगा, तब आप अपने घर में वो बैटरी वाली इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। दिन में आपका रूफटॉप सोलर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा, रात में आप बैटरी वाली इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे। इसको हम कहते हैं ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम, क्योंकि इसका ग्रिड के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। लेकिन ये वाले सिस्टम में आपको सब्सिडी नहीं मिलने वाली है, इस सिस्टम के लिए सब्सिडी नहीं देती है गवर्नमेंट। सब्सिडी किस में मिलती है? ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में। अब ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है? इसमें ग्रिड कनेक्ट होता है। मैं आपको समझाता हूँ। आपके छत पे रूफटॉप सोलर सिस्टम लगा है, उसने आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स उसने आपके लिए जनरेट किए। अब 50 यूनिट्स आप फॉर एग्जांपल अभी यूज कर रहे हो, आपके घर में लाइट्स ऑन है, कुछ चीजें आपने चार्जिंग पे लगाई है, 50 यूनिट्स आप अभी यूज कर रहे हो, तो बचे कितने? 50 यूनिट्स। उन 50 यूनिट्स का क्या होगा? वो इस टाइम यहां से वापस जाएंगे आपके ग्रिड के पास। जिस ग्रिड से हम इलेक्ट्रिसिटी आजकल लेते हैं, उसी ग्रिड को हम यहां से इलेक्ट्रिसिटी देंगे। जो 50 एक्स्ट्रा यूनिट हमारे सिस्टम ने जनरेट किए, वो 50 एक्स्ट्रा यूनिट हम यहां से ग्रिड को वापस देंगे।
उसके लिए एक मीटर लगा होता है, उसको हम नेट मीटर कहते हैं, जो कैलकुलेट करता है कि हमने कितने यूनिट्स यहाँ से ग्रिड को दिए। फिर शाम के टाइम पे जब सूरज गुरूब होगा, जब अंधेरा होगा, तो हमारा रूफटॉप सोलर सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएगा। हम इलेक्ट्रिसिटी कौन सी यूज करने वाली है? ग्रिड से, जैसे हम आजकल यूज करते हैं। सिंपल टर्म्स में हम रात को सरकारी बिजली यूज करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने रात को 50 यूनिट्स यूज किए, 50 यूनिट हमने यूज किए। हमने दिन में ग्रिड को कितने दिए थे? 50 यूनिट्स। रात को कितने लिए हमने वापस? 50 यूनिट्स। अगर पूरे मंथ ऐसा ही चला तो हमारी बिजली बिल जीरो आने वाली है। हमें एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी हमने कंज्यूम की, जो हमने ग्रिड से ली, वो इलेक्ट्रिसिटी हमने यही से दी थी उनको। हमने जितनी इलेक्ट्रिसिटी दी थी ग्रिड को, उतनी हमने वहां से वापस ली। सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमारी बिल जीरो आने वाली है, एक भी पैसा हमें नहीं देना पड़ेगा। और इसी सिस्टम के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। अब इसके फायदे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले दो और सिनेरियोज आप सुनो। फॉर एग्जांपल, आपके रूफटॉप सोलर सिस्टम ने 100 यूनिट्स जनरेट किए, आपने 50 यूनिट्स यूज किए, 50 यूनिट्स आपने ग्रिड को सप्लाई किए। अब रात के टाइम पे फॉर एग्जांपल आपने एक्स्ट्रा बिजली यूज की, आपने 50 यूनिट के बजाय 100 यूनिट यूज किए, 50 यूनिट आपने यही से दिए थे ग्रिड को, आपने 100 यूनिट यूज किए, मतलब आपने ग्रिड से एक्स्ट्रा 50 यूनिट्स बाय किए हैं। मंथ के एंड में आपको उन 50 यूनिट्स के पैसे देने हैं। इवन दो 100 यूनिट्स हमने ग्रिड के यूज किए हैं, लेकिन बस 50 यूनिट के पैसे देने हैं हमें, क्योंकि 50 यूनिट हमने यही से दिए थे उनको। अब तीसरा सिनेरियो ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका रूफटॉप सोलर सिस्टम 200 यूनिट जनरेट करके देगा, जिसमें 50 यूनिट्स आप दिन में यूज करोगे, 150 यूनिट्स आप ग्रिड को सप्लाई करोगे। अब रात के टाइम पे आप 50 यूनिट्स वहां से यूज करोगे, आप 50 यूनिट वहां से बाय करोगे, तो बचे कितने? 100 यूनिट्स। अब मंथ के एंड पे क्या होगा? जो वो 100 यूनिट्स है वो आपके कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ में, वो आपके काउंट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ में। फिर अगर आप नेक्स्ट मंथ में एक्स्ट्रा बिजली यूज करते हो तो वो 100 यूनिट्स आपके काउंट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, नेक्स्ट मंथ अगर आप 200 यूनिट जनरेट करते हो और 300 यूनिट्स यूज करते हो ग्रिड से, तो ये 100 यूनिट्स वहां पे काउंट हो जाएंगे, मतलब 300 यूनिट्स आपके टोटल हो जाएंगे। 300 यूनिट्स आपने ग्रिड को दिए, 300 यूनिट्स आपने वहां से वापस लिए, नेक्स्ट मंथ भी आपकी बिल जीरो आने वाली है। अब अगर आपने उस मंथ भी कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, तो जो आपके यूनिट्स बचेंगे वो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, ये साल के एंड तक चलता रहेगा। अब कुछ स्टेट्स में साल के एंड पे पैसे मिल जाते हैं जितने भी यूनिट्स आप सेव करते हो, और कुछ केसेस में वो लैप्स हो जाते हैं। अब इस स्कीम के अंडर क्या इनका होगा वो देखना पड़ेगा। तो ये है ऑन ग्रिड रूफटॉप सोलर सिस्टम, जिसमें सरकार सब्सिडी देती है। अब इसमें दोनों का फायदा है, लोगों का भी फायदा है क्योंकि बिजली बिल जीरो आने वाली है, और सरकार का भी फायदा है। क्यों? क्योंकि अगर हर कोई, बहुत सारे लोग अगर रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाएंगे तो दिन में वो खुद की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, दिन में वो खुद की इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे, तो ग्रिड पे लोड कम पड़ेगा, तो फ्यूचर में मे बी 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी रहने के चांसेस है। लेकिन इस ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का एक बड़ा ड्रॉबैक है, जब बिजली चली जाएगी आपका ये सिस्टम बंद हो जाएगा। जो ही सरकारी बिजली चली जाएगी, ये रूफटॉप सोलर सिस्टम भी बंद हो जाएगा, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, आपको उस टाइम बैटरी बैकअप का यूज करना पड़ेगा। ये सेफ्टी के लिए है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से नहीं आ रही है, किसी बंदे ने देखा, किसी वर्कर ने देखा वहां पे कि ग्रिड से अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आपका रूफटॉप सोलर सिस्टम यहां से रिवर्स पुश करेगा इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पे खतरा हो सकता है। इसलिए सेफ्टी के लिए इसको बंद किया जाता है। वो बंद होगा आपका सिस्टम जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी, सरकारी बिजली जब चली जाएगी, यह है इसका बड़ा ड्रॉबैक। लेकिन उस टाइम आप बैटरी बैकअप का यूज कर सकते हो। फिर होता है उसके बाद हाइब्रिड सिस्टम। हाइब्रिड सिस्टम ऑफ ग्रिड सिस्टम और ऑन ग्रिड सिस्टम की एक कॉम्बिनेशन है। इसमें ग्रिड भी कनेक्ट होगा आपका और बैटरी भी चार्ज होगी। जो आप इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा जनरेट करोगे, फॉर एग्जांपल आपने 100 यूनिट जनरेट किए, 50 यूनिट्स आप अभी यूज कर रहे हो, जो 50 यूनिट्स बचे उनसे इलेक्ट्रिसिटी आप ग्रिड को सप्लाई करोगे और उनसे आपकी बैटरी भी चार्ज होगी। फिर रात के टाइम पे आप बैटरी पहले यूज करोगे, जब बैटरी आपकी ड्रेन हो जाएगी फिर उसके बाद आप ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी लोगे। वो होता है हाइब्रिड सिस्टम। तो ये है इस रूफटॉप सोलर सिस्टम के टाइप्स और ये है इसका फायदा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं, क्या ये कश्मीर के ठंड मौसम में इफेक्ट रहेगा? क्या ज्यादा गर्मी वाले इलाकों में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी? देखो, हमारे लोगों में, हमारी आम जनता में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि शायद ये इलेक्ट्रिसिटी सूरज की गर्मी से जनरेट होती है, हीट से जनरेट होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसका हीट के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता है। कुछ केसेस में हीट वाले एरियाज में कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी एज कम्पेयर टू कोल्ड एरियाज में, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है लाइट से, जो सूरज की रोशनी है, लाइट है, उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। हीट के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं होता है। आपके छत के ऊपर सोलर मॉड्यूल्स लगेंगे, उन पे लाइट पड़ेगी, तो उस लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब जितनी ज्यादा लाइट होगी उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब जहां पे ज्यादा गर्मी होगी वहां पे कुछ केसेस में क्या हो सकता है, जो सोलर मॉड्यूल्स होंगे, जो अप्लायंसेस होंगे, वो हीटअप होते हैं
और वो कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं या उनकी लाइफ स्पैन भी कम हो सकती है एज कम्पेयर टू कोल्डर एरियाज फॉर एग्जाम्पल कश्मीर में। अब यहाँ पे सर्दी तो होती है लेकिन यहाँ पे ब्राइटनेस दिन बहुत ब्राइट होता है, सनी डेज में लाइट होती है बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होगी बराबर। यहाँ पे पहले मैं एक चीज क्लियर करूंगा, जो 3 किलोवाट सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं वो होती है उस रूफटॉप सोलर सिस्टम की पीक कैपेसिटी, मतलब मैक्सिमम वो 3 किलोवाट पावर हमें जनरेट करके देगा। और वो कब होगा? दिन के 12 बजे के आसपास, जब लाइट डायरेक्टली पड़ती है ऊपर से। आप ये वीडियो देखो, जब लाइट डायरेक्टली पड़ती है ऊपर से तो लाइट की इंटेंसिटी कम एरिया पे होती है लेकिन इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब एंगल से लाइट पड़ती है तो आप देखो लाइट स्प्रेड होती है बहुत ज्यादा एरिया पे लेकिन इंटेंसिटी कम होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट होगी। मतलब 3 किलोवाट सोलर सिस्टम हमें दिन के 12 बजे 3 किलोवाट पावर जनरेट करके दे सकता है लेकिन सनसेट या सनराइज के टाइम पे वो इलेक्ट्रिसिटी कम देखने को मिल सकती है। अब इससे एक और क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ होगा, बारिश के टाइम पे क्या होगा या जब मौसम खराब होगा उस टाइम क्या होगा? देखो उस टाइम बादल तो होते हैं लेकिन लाइट होती है, कम होती है लाइट लेकिन होती है लाइट, उस लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। 3 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी, उस टाइम होगी। जितने यूनिट्स आपके कम पड़ जाएंगे उतने यूनिट्स आप ग्रिड से यूज कर सकते हो। एक चीज का आपको ख्याल रखना है, जब आप ये रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाओगे एंगल सही होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ये लाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो आपको वो एंगल चूज करना है जहां से ज्यादा लाइट पड़ती है, जहां से परपेंडिकुलर लाइट पड़ने के ज्यादा चांसेस है, या जहां पे ज्यादा शैडो, अगर वहां पे ट्रीज होंगे साइड में, जिस साइड ज्यादा ट्रीज नहीं होंगे जिस साइड शैडो नहीं होगी वहीं से आपको सोलर पैनल्स लगाने हैं। उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि ये वन टाइम आप इंस्टॉल करोगे, फिर इसकी लाइफ स्पैन होती है जनरली 25 ईयर्स, 25 साल तक आपको वो चेंज नहीं करना है। 25 साल के बाद आप उनको चेंज कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि 25 साल के बाद ये मॉड्यूल्स बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते हैं, हाँ करते हैं लेकिन 80% एफिशिएंसी रहती है बस 25 साल के बाद। अब 25 साल के बाद उन्हें चेंज कर सकते हो। अब फॉर एग्जांपल जो हम अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल 30,000 रुपए हम लगाएंगे या 60,000 रुपए हम लगाएंगे, तो हमारी मंथली बिल आती है फॉर एग्जांपल 1300 रुपए, नेक्स्ट ईयर वो 1600 रुपए होने वाली है, उसके बाद ये बढ़ेगी पर ईयर बढ़ेगी, तो 2-3 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट वापस आने वाली है। 3-4 ईयर्स ब्रेक ऑन पॉइंट है जहां पे हमारी इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगी। वैसे भी हमें 3 साल तक 60,000 रुपए एज बिजली बिल पे करने हैं, तो हम एक ही टाइम पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद 20 इयर्स तक हम मुफ्त बिजली यूज करने वाले हैं, हम फ्री में बिजली यूज करने वाले हैं। इसलिए आपको पहले ही अगर आप ये सिस्टम लगाते हो तो आपको सोच समझ के ये सिस्टम लगाना पड़ेगा। अब हम अपने घर में कौन कौन सी चीजें इस पे यूज कर सकते हैं? देखो जब ये रूफटॉप सोलर सिस्टम आपके छत पे लगेगा तो एक छोटा सा इन्वर्टर वहां पे लगेगा। वो इन्वर्टर क्या करेगा, ये रूफटॉप सोलर सिस्टम आपको डीसी करंट जनरेट करके देगा, वो इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट करेगा और आपके घर के अंदर एसी सप्लाई आने वाली है। फिर आप अपने घर में कोई भी चीज यूज कर सकते हो, आप गीजर यूज कर सकते हो, आप एसी यूज कर सकते हो, आप इंडक्शन यूज कर सकते हो। हाँ, जो रूम हीटर होता है, जो कुकिंग के लिए हम हीटर यूज करते हैं, उसमें दिक्कत हो सकती है, उसमें हमें ग्रिड वाली इलेक्ट्रिसिटी यूज करनी पड़ सकती है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में आप मोस्ट ऑफ द अप्लायंसेस जो आजकल हम यूज करते हैं वो आराम से आप इस इलेक्ट्रिसिटी पे यूज कर पाओगे। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है आप कमेंट्स में वो पूछ सकते हो। बाकी लाइक तो आपने किया ही होगा, पेज को फॉलो करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।